सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साबिक कप्तान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की साहबजादी शादी के बंधन में बंध गई है। इंजमामुल हक की बेटी की शादी की तकरीब रायवन रोड के करीब एक हॉल में मुनक्किद हुई। न्यूज़वुड खबर भरोसे की। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक की साहबजादी की शादी में कई नामचीन खिलाड़ियों ने किया शिरकत। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का था। दरअसल अभी थोड़े दिन पहले ही ग्रीन शर्ट ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलकर अपने देश लौटी है। इंजमामुल हक की बेटी की शादी में तमाम क्रिकेटर्स अपनी अपनी बीवियों के साथ शादी समारोह में पहुंचे। दरअसल दिलचस्प बात यह कि ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी अपने होने वाले दामाद शाहीन शाह अफरीदी की खूब आवभगत करते देखे गए और इस शादी में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का खूब जलवा भी देखने को मिला। शादी के फंक्शन में सिक्योरिटी के किए गए थे सख्त इंतजाम। पाकिस्तान के पूर्व चीफ सिलेक्टर और कप्तान इंजमामुल हक ने कई पूर्व खिलाड़ियों और वर्तमान में टीम में खेल रहे खिलाड़ियों को अपनी बेटी की शादी के फंक्शन में इनवाइट किया था और इस शादी के समारोह में सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी हाजिरी भी दिया। शादी समारोह में शिरकत के बाद बाबर आजम एंड कंपनी ने जमकर दावत उड़ाती नजर आई। सभी खिलाड़ी खूब मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इंजमामुल हक ने सभी खिलाड़ियों का खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत भी करते देखा जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों को फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताने का आखिर मौका मिल ही गया। हालांकि शादी समारोह में टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी लोगों के तवज्जो का मरकज रहे। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में विजेता रही बाबर आजम एंड कंपनी की जमकर हो रही है तारीफ। लंबे अरसे बाद कई क्रिकेटरों के मुलाकात के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ जमकर वायरल हो रहे हैं। नई दिल्ली से न्यूज़वुड के लिए साकिब जकरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड खबर भरोसे की।